नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दूं, जिस तरह से पिछले 12 घंटे से अधिक समय बीत चुका है, कल शाम के करीब 8 बजे का मामला था और अभी करीब 2 बज चुके हैं, यानी आप देख सकते हैं किस तरह से जिला प्रशासन जो है पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही थी। साथ ही साथ अगर आप बात करेंगे तो पुलिस विभाग जो है डटकर इस जगह पर पूरे टाइम मौजूद रही। और अगर दूसरी तीसरी चीज़ पर ध्यान अगर देंगे तो वो है एनडीआरएफ की टीम, दमन कोस्ट गार्ड की टीम और हमारी भारतीय संस्कृति युवा मंच की पूरी टीम जो है वो पिछले लगातार जब से ये घटना हुआ था तब से, यानी मामला सबसे पहले संक्षिप्त में अगर मैं बताना चाहूँ तो वो ये है कि डोकमंडी विस्तार में जो छोटी पुल है उस पर से जब एक कार जो है वो क्रॉस हो रहा था और अचानक से दमन यानी मधुबन डैम से 1 लाख क्यूसेक पानी जो है छोड़ा गया, जिसके चलते जो पुल क्रॉस कर रही थी नीचे का, यानी जो पुल ऑलरेडी जिला प्रशासन द्वारा पहले से ही बंद कर दिया गया है और ऊपर नया ब्रिज बनाया गया था, उस छोटे ब्रिज से जब क्रॉस कर रहे थे तो उस वक्त बताया जा रहा ब्लू कलर के एक I-10 गाड़ी में जो है एक मुकुल भगत करके व्यक्ति जो है वो गाड़ी चला रहे थे और उनके साथ जो है उनके बेटे जो है 7 साल के सिद्धू वो मौजूद थे और वो सब पानी के बाढ़ में जो है बगैर कड़ी मशक्कत के साथ पूरे दिन यानी रात भर जो है पूरी टीम यहाँ पर मेहनत कर रही थी। आप पीछे देख सकते हैं मेरी पूरी टीम जो है वो पूरा मेहनत कर रही है और सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो ये थी कि लगातार पूरी टीम सुबह के 4 बजे तक जो है पूरी मेहनत यहाँ पर की है। और सबसे बड़ी जो चीज़ें हैं वो है कि हम लोग पूरे टाइम यहाँ पर पानी बहुत हैवी फोर्स मतलब स्पीड में था, जिसके चलते जो हमारी पूरी टीम यहाँ पर मेहनत कर रही थी, जिला प्रशासन हमें दिशा निर्देश जिस तरह से देता गया उस हिसाब से हम लोग इन चीज़ों को फॉलो करते हुए और फाइनली जो है हमें वहाँ पर गाड़ी जो है थोड़े से आगे जो है वो गाड़ी हमें मिली है और उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई जो है छानबीन की जा रही है कि आखिर जो लोग उस गाड़ी में मौजूद थे क्या उसमें हैं या नहीं है, उसी की जांच जो है पड़ताल चल रही है। अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि आगे कैसे किस तरह से कार्य सारी चीज़ें की गई है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे, अगर दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर देखिए पूरी तरफ जो है पुलिस प्रशासन, गुजरात पुलिस की भी टीम और DN दादरा नगर हवेली पुलिस की भी टीम जो है दोनों तरफ आ चुकी है। पब्लिक तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर भारी संख्या में लोग जो है इस मामले को देखने के लिए यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जो चीज़ मैं बोलूँगा जिला प्रशासन की अच्छी पहल आप बोल सकते हैं, पूरे टाइम इस मामले को चौकन्ने तौर पर उन्होंने देखते रहे और पूरी तरफ से मैं ये भी कहूँगा पूरे टाइम ये जो यहाँ पर एक्टिविटी पर नज़र बनाने के लिए स्वयं जो जिला समाहर्ता है भानु प्रभा जी वो यहाँ पर मौजूद थी, उनके साथ हमारे दादरा एवं नगर हवेली के जो ST महोदय हैं राजेंद्र प्रसाद मीणा जी वो हैं, फिर प्रियांक किशोर जी जो RDC हैं वो हैं, फिर चार्मी पारेख जी जो सिलवासा RDC हैं वो हैं, फिर अलग अलग विभागों से मतलब जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम को भी यहाँ पर लगाया गया था और पूरी तरह से ये चीज़ों पर ध्यान दिया गया कि जल्द से जल्द हम किस तरह से, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता होगा मधुबन डैम का पानी तभी छोड़ा जाता है जब आसपास के विस्तार में जो है भारी संख्या में भारी मात्रा में जो है बरसात होती है और उसके पानी जब वहाँ पर फूल हो जाते हैं तो उन्हें फाटक जो है खोलना पड़ता है। तो उसी के तर्ज पर जब 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया तो उसके बाद जो है ये मामला हुआ था और हालांकि इस वक्त जो है गाड़ी को हम लोगों ने ढूंढ लिया है तो आगे की जो कार्रवाई है वो चल रही है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, धन्यवाद।